और तू करेगा ब्लॉगिंग, तू करेगा ब्लॉगिंग ये लेकर। अरे अभी कोई भी क्लिप कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तरीके से करियो। हेलो जी, कैसे हो सारे, वेलकम टू कंपाउंड व्लॉगिंग। तो बहुत दिनों बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड आ रही थी कि व्लॉग बनाए व्लॉग बनाए, तो आज हम एक और व्लॉग लेकर आ गए हैं जहाँ पे आज हम कॉलेज जाने वाले हैं। एज यूजुअल जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज वाले जाते हैं, हमारा खाना बन रहा, देखो गाँव में चूल्हे पर खाना बनता, ठीक है। उसके बाद तो वैसे अभी मैं जेन्युइनली बताऊँ तो मैं अभी आया हूँ खेत से, काम वाम करवा के थोड़ा, सुबह उठते हम खेत में चले गए, तो उसके बाद हम पियेंगे चाय अपना, है तो सुबह सुबह हम चाय पी लेते हैं। चुप है, चुप 75 हार्ड बना दूँ उन्हें। तो भाई पहले हम सुबह सुबह चाय इज कंपल्सरी, सुबह शाम चाय पियो मजे काटो। तो भाई ठीक है, तो अभी हम चाय पी के अपना नहा धोके कॉलेज निकलते हैं और तब देखते हैं। तो एक काम कर, तू 75 हार्ड कर ले, बहुत भाई 75 हार्ड का 75वां दिन, तो आज हम संपूर्ण करके ज्वार काट के आ चुके हैं, 75वां दिन आ जाएगा। पहला दिन और पहली चाय हमने पी ली है, अब हम नहा धो के अपना निकलते कॉलेज, ठीक है। चलो अब सीधा आपको तैयार हो गए कॉलेज हार्ड चैलेंज का, जो नियम है हमारे चाय वाले चैलेंज का वो है सुबह चाय पीने, शाम को चाय पीने, दोपहर को 3 बार और कॉलेज वॉलेज में भी 4-5 बार चाय पी लेनी है। ये 75 हार्ड का चैलेंज, जल्दी जल्दी नहा दो के फिलहाल हम तैयार हो चुके हैं। और आप थोड़ा सा हैरानी मत रहना, ये मैं ही हूँ, मैंने थोड़ी दाढ़ी रूढ़ी कटवा ली है और तैयार हो चुके हैं वाइट शूज के साथ। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। बाकी हम फिलहाल हो गए तैयार और थोड़ी देर में निकलते हैं कॉलेज। उससे पहले हम खाना वाना खा लेते हैं और रख लेते हैं, और खाने में आज बनाए छोले की सब्जी। छोले की सब्जी ले जाएंगे खाने में और अकेले खाएंगे, क्योंकि छोले की सब्जी है ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो खाने में छोले की सब्जी बनी भाई, और खाना बनाने के अभी निकलते हैं। यू किसकी बोतल है, डेरी पे ले जा रही है फिर। चलो ठीक है गाइस, ओके भाई, हमने आपसे उसकी क्या नाम है यूट्यूब कम्युनिटी में पूछी थी कि क्या हमको एक और स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब वीडियोस वगैरह रिगार्डिंग कोडिंग या स्किल डेवलपमेंट को कुछ भी, या फिर आपके जो कॉलेज सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर। तो आप हमें कमेंट्स में एक बार बता दो कि यस हमें शुरू करना चाहिए। वैसे तो आपने वोट कर दिया है, उसमें 80%+ बच्चों ने हाँ करी है, तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे वो। एक बार फिर भी आप इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि आपको किसके रिगार्डिंग पहला कंटेंट चाहिए फॉर स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए हम एक दूसरा चैनल बना देंगे, क्योंकि व्लॉगिंग में ना बहुत ज़्यादा काउंसलिंग कंटेंट आ गया, तो बच्चे सोच रहे हैं कि काउंसलिंग का हो रहा है। अरे बनान दे क्यों खड़ा पीछे भाई, मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं करने देगा। तो चलो भाई अब सीधा कॉलेज मिलते हैं, बहुत देर होगी मेरे को। हाँ जी, तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं YMCA फरीदाबाद के मेन गेट पर, यानी आपका स्वागत है YMCA फरीदाबाद में, और यहाँ पे चेकिंग हो रही है। अपना आई कार्ड दिखा के जल्दी से एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के तुरंत बाद ही हमें मिल जाते हैं हमारे प्रीत भाई, जिनसे हम मिलके अपने एक सब्सक्राइबर के पास जाते हैं, जो कि हमें ढूंढ रहा होता है। वो सामने खड़ा, वो हमारा सब्सक्राइबर ही है। अब हम देखते हैं कि हमें पहचान पाता है नहीं पहचान पाता। और थोड़ी देर इसके पास खड़े होकर नौटंकी करने के बाद ही हमें पहचान लेता है, और उसके बाद इससे करते हैं 2-4 बातचीत, और फिर उसके बाद हम आपको इसी सेक्शन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स, तो वो सभी आप देख लेना। भाई सारे बच्चे देख लो एक बार, जो सबको एक ऐसा मिला होगा, लेकिन उसकी एक हार्ड कॉपी मिली होगी, वो हार्ड कॉपी मेन है। अब जैसे ये इस ब्रेखा इंस्टीट्यूशनल लेवल फिजिकल प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जो है, ऐसी एक आपको परमानेंट मिल रखा होगा हार्ड कॉपी में, जिस पर लिख रखा होगा टेम्परेरी आईडी कार्ड, तो वो नेसेसरी है आपकी एंट्री के लिए, जब तक आपका नहीं मिल जाता। और आपका बनेगा सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के एंड में आपको मिलेगा, आपको जो एडमिशन कार्ड में सेकेंड के लास्ट में मिलेगा, बाकी तब तक इसी से काम चला, और फोटो कॉपी नहीं चलेगी। फिर उसके बाद में आपको ऐसा कार्ड मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर के बाद, लेकिन उससे पहले आपको ऐसा ही मिलेगा हार्ड कॉपी में, और तब तक वही रखना लेमिनेशन वगैरह करवा। भाई 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 भाई, भाई, भाई। फिलहाल अभी मिल गया है अपने एक सब्सक्राइबर से, जो कि हमारे कैमरामैन ने हमें मिलवाया था, जिनका नाम है शुभम कुमार। वैसे तो मैं देखने में छोटा ही लग रहा है, वैसे तुम्हारा सीनियर है, जितने फ्रेशर्स आ रहे हो ना,
ये आपका सीनियर जा रहा है, पर ऐसी क्वालिफिकेशंस नहीं बताएंगे, आप डर जाओगे। आप तू ही बता दे अपनी क्वालिफिकेशंस बता दे। अरे तो सेकंड फ्लोर पे क्लास, तो भाई हम अपनी क्लास बोल चुके हैं फिलहाल, क्लास ऐसे एक बार क्वालिफिकेशन तो बता दे यार। मैं बीटेक आईटी प्लेयर हूं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ब्लैक बीटेक आईटी। और आपके पेपर में कितने की सीजीपीए बनी? मेरी 8 की सीजीपीए। भाई की जिंदाबाद। ठीक है भाई चलो अब हम क्लास में आ चुके हैं। अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, सिर्फ बच्चे दिख रहे होंगे आपको, और कोई क्लास नहीं है। पिंटू भाई कल बैग खो गया, तो पिंटू बैग मिल गया भाई? मिल गया भाई, मिल गया। किसने मजाक करा था क्या? साथ वालों ने मजाक किया है। साथ वालों ने? तो जिसने मजाक किया पिंटू चैलेंज, उसके लिए कोई धमकी आपको ऑन व्लॉग, ऑन कैमरा धमकी? सभी लड़कियों का डैडी है। ऑन कैमरा जिसने मजाक करा उसको धमकी? भाई बीटेक में आपको एक चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी, वो है क्लास कैंसिल होना। तो हमारी भी क्लास कैंसिल हो चुकी है और सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके थे, अब किसी की कोई क्लास नहीं लग रही है। बढ़िया, यहाँ पे इंस्टाग्राम चल रहा है और ये बैठा है, सी जी पे बढ़ा रहा है। तू करे तो ब्लॉगिंग ये लेकर, अरे अभी कोई भी क्लिप कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तरीके से करिए, मेरे हाथ में कैमरा दे रहा हूँ, पकड़। हाँ पकड़ ऑन है। तो गाइस देखो, काउंसलिंग वगैरह तो होती रहेगी, आपको मौज मस्ती करनी है तो क्लबों में आओ। हम और हमारी क्लास में सीनियर्स तो है ही, सेक्सी सेक्सी आप देख लो। मैं आपको किसी से मिलना हो तो मेरे से संपर्क करना, मैं आपको सबसे मिलाऊंगा। कौन कौन से क्लब में तो वो बता दे। माई ट्रिपल ई में हूँ, CNC में हूँ, और इस बार माइक्रोवर्ड में। मेरा CNC में करवा दे, ले लियो भाई। तो भाई हमारा CNC में हो जाएगा वो। तो भाई बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लास कैंसिल हो चुकी है। हमारे लेट आने का बिल्कुल फ़ायदा हुआ क्योंकि क्लास ही नहीं हुई, मज़ा आ गया। गाना मत चला यार, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे सुना था, अभी तो सुना रहा था। अरे एक गाना सुना रहा, एक गाना सुना, कोई बात नहीं, सुना था, सुना था। अरे सुना था, बढ़िया लग रहा है, तेरी कसम बढ़िया लग रहा है। गाना सुना था? अरे वही जो अभी तूने सुनाया था वही सुना। अरे बढ़िया लग रहा भाई, अभी इसने गाना सुनाया था बहुत तगड़ा वाला। एक सुना दे, एक बार सुना दे। अरे सेम वाला वो सुना दे। तो भाई पूरी ताकत लगा दी है गाना सुनवाने के लिए, लेकिन सुनाया नहीं इसने। 75 हार्ड कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम करेंगे 75 हार्ड टी चैलेंज, चाय पीने वाला चैलेंज। दोस्त मोहित, उसने भी 75 का पूरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मोहित तो कर रहा है, हमारे दोस्त 75 हार्ड चैलेंज कर रहा है, उसके साथ हम कर रहे हैं 75 हार्ड चाय पीने वाला चैलेंज। तो जिसमें हम सुबह शाम दिन रात हम कैंटीन जाकर फिर चाय पियेंगे, सुबह पी का दो बार और जाकर दो रैप फिर चाय के पीने। देखो सुबह पिया, अब फिर जाके पीने, शाम को दो रैप फिर चाय के, और अब फिर पिंटू बुलाएगा फिर चाय के। तो भाई हम अभी क्लास छोड़ के आए हैं, लेकिन चाय इज नेसेसरी, तो हम चाय पीने जा रहे हैं अपनी क्लास छोड़ के, ठीक है? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, 75 हार्ड चाय चैलेंज। तो भाई अपने 75 हार्ड चाय चैलेंज को फॉलो करने के लिए हम आ चुके हैं कैंटीन में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, चाय वाय लेने के लिए आए हैं और पिंटू को भेजते हैं। पिंटू भाई चाय लेने चले जाए यार, तो बहुत देर हुई तेरे को, और भीड़ हो रही है यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैंटीन में। और कोई नहीं पिंटू, जिंदाबाद, जल्दी ले गया पैसा, मैं दे दूँगा तुम्हें। अरे दे दूँगा भाई, मैं खा दो आज बिरयानी, लो वीडियो में ले ले इसने। सॉरी भाई वीडियो में ले लिया मैंने, 20 रुपये निकाल लेने में थे। अरे इन्हें ही ले लें ना, समोसे का एक पैसा ना, सही में चाय तू ले समोसा। जल्दी ले ले, जल्दी लिया, बन गई होगी यार, क्लास में भी जाना है। बन रही है यार, तो कह देना भाई। तुम्हें एक बात बताऊं, YMCA में आ जाओ और प्लेसमेंट की जगह ना तो YMCA के टीचर बन जाओ, क्योंकि YMCA के टीचर्स के पास बहुत मोटा पैसा, रोज़ नई गाड़ी निकाल रहे हैं, आज ये निकाल दिया
और एक तो BMW खड़ी थी, किसी टीचर ने रखते भाई। और भाई फिलहाल यहाँ पे मैं हूँ बास्केटबॉल ग्राउंड में तक्स के साथ, तो बहुत देर से कोशिश कर रहा है, कोई एक बॉल नहीं पकड़े जा रही इससे। तक्स बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो भाई उसके बाद हम गए थे NSS में कुछ बच्चों को पढ़ाने, तो यहाँ पे मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ NSS में। छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट एजुकेशन का हिस्सा है, तो कुछ बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे हमको ज्ञान। क्योंकि जीरो को भी हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना।